एक बात तो आप भी मानेंगे कि पूरी दुनिया में शायद ये अकेला ऐसा लड्डू है जिसे खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो और भी ज्यादा पछताओ। इसलिए लोग इसे खाकर ही पछताना सही समझते हैं और निकल लेते हैं घोड़ी चढ़ने, ये सोचकर कि आज तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन शादी ब्याह में सब कुछ ठीक हो ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो बारातियों का डांस हो या फिर रिश्तेदारों की नोकझोंक। और कई बार तो दूल्हा दुल्हन आपस में भिड़ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी मसालेदार शादियां दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आप तक लाते रहें। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दुख दुल्हन की माँ को होता है जिन्हें अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के घर भेजना होता है। लेकिन यहाँ पर इनसे अपना दुख संभाला ही नहीं गया और डायरेक्ट दुल्हन को लेकर जमीन पर गिर पड़ी। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक दूल्हे देखे होंगे, लेकिन ये जनाब तो माइकल जैक्सन के भी दूर के रिश्तेदार निकले क्योंकि इन्होंने शादी में पागलों की तरह नाचना शुरू कर दिया। इनका डांस इतना भयानक था कि आसपास खड़े रिश्तेदार तो हैरान ही हो गए। लेकिन सबसे चौंका देने वाला एक्सप्रेशन दुल्हन का था जो मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, किस पागल से मेरा पाला पड़ गया। दोस्तों, डांस करने का ये तरीका तो कतई जहर है। मतलब इन जनाब ने तो अपने पैरों के अंदर ही कुर्सी फंसा ली और चल पड़े प्रभु देवा बनने। और इस लड़के का डांस देखकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डांस कर रहे हैं जमीन से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इतना रगड़ कर तो भैया साफ सफाई होती है। वैसे दोस्तों, डांस करने में दादी अम्मा भी कम नहीं है। मतलब इनका डांस देखकर तो इंसान माधुरी दीक्षित को भूल जाए। इस उम्र में इनके लटके झटके देखकर एक बात तो साफ हो गई कि जवानी में इन अम्मा ने कईयों को घायल किया होगा। दोस्तों, अब जरा इन दीदी जी को देखिए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सारा भांग धतूरा यही खाकर बैठी है, क्योंकि पीछे जैसी हल्की सी आवाज होती है डर कर गिर जाती हैं। और इनके डरने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही माला पहनाने के बाद ये दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा से आवाज सुनकर ये डर जाती हैं। और इस बार ये जो डरती हैं उसका हम क्या ही बताएं। बेचारा दूल्हा भी खड़ा खड़ा सोच रहा होगा न जाने कौन सी डरपोक लड़की मेरे मत्थे चढ़ गई। दोस्तों, दूल्हे राजा ने यहाँ पर जो ठरकी पने की हद की पारी कर दी। इनका हाल वही था जो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तभी तो माला दुल्हन को पहनाने के बजाय बगल में खड़ी सहेली को पहना बैठे और बाद में ऐसे बोले बन रहे हैं मानो गलती से कर दिया हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हम क्या ही कहें, क्योंकि इस शख्स के अंदर अपनी बीवी का खौफ इतना ज्यादा था उसके माला डालते इनकी पैंट उतर गई और भरी सभा में इनकी जो बुरी बेइज्जती हुई है उसका हम आपको बता नहीं सकते। वैसे इन दूल्हे राजा का भी बढ़िया था, मतलब कि सूट बूट पहन के शादी तो करने चले थे लेकिन जिप बंद करना भूल गए। इस हरकत के बाद बेचारी दुल्हन भी पक्का सोच रही होगी कि सुल्लू के पट्टे से शादी करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, जरा आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बस एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले हैं, लेकिन इस रस्म के पहले से ही दुल्हन साहिबा का मुंह थोड़ा लटका हुआ लग रहा है। खैर, थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब दूल्हे का दोस्त आकर उसे उठा लेता है, लेकिन दुल्हन उस तक पहुंच ही नहीं पाती। ये भाई साहब आते हैं और दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं। अब उन्होंने तो अच्छाई दिखाने के नाते दुल्हन को उठाया था, लेकिन जैसे ये जयमाला की रस्म पूरी होती है वैसे ही दुल्हन नीचे उतरती है और इन भाई साहब को जोर का लगा देती है। अब ये भी खिसकाए हुए थे, कहीं तो खंबा नोचना ही था, इसलिए ये बगल में खड़ी महिला के कान को नीचे बजा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि हमारे यहाँ की धोखा खा रही है। हाँ, हम जानते हैं शादी ब्याह में दुल्हन शर्मा जाती है, लेकिन ये मैडम तो अलग ही लेवल की निकली।
जहाँ दूल्हे के माला पहनाने के बाद अब इनकी माला पहनाने की बारी आई तो ये हर बार दूल्हे के सहरे पर ही माला डालकर हाथ हटा लेती थी। अब फोटोग्राफर को तो प्रॉपर फोटो चाहिए था, इसलिए वो बार बार दुल्हन से सही तरीके से माला पहनाने को कह रहा था और अंत में दूल्हा इतना गुस्सा हो गया माला उठाकर फेंक दी। अब जाहिर सी बात है किसी के साथ भी इस तरह की बेवकूफी की जाएगी तो कोई गुस्सा हो जाएगा। आपने एक से बढ़कर एक शादी देखी होगी लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी लेकिन दूल्हे महाराज एक अलग ही अकड़ में खड़े थे। इस वजह से दुल्हन ने भी ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और इनके गले में ऐसी ही माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, तभी तो उसने दुल्हन के गले में माला डालने के बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया और हद तो तब हो गई जब मिठाई खिलाने के नाम पर यह दुल्हन के मुंह में मिठाई ठूस रहा है। अब इनकी ये तूतू मैं देखकर एक बात तो पक्की है कि दो ही दिन में इन्हें कोई तलाक का वकील ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से तो ये लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कीजिए, दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।